Hello students, in this lecture we will discuss difference between haploid and diploid. Haploid और diploid में क्या क्या difference होती है, ठीक है? Ploidy, what is ploidy? Ploidy means the number of sets of chromosomes in a cell. एक cell के अंदर कितने sets of chromosome present है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? Ploidy. Number of sets of chromosome वेरी करते हैं. हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो क्या बोलेंगे उसको हम? हैप्लॉइडी, दैट इज एन. टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइडी, टू एन. थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो ट्रिप्लॉइडी, थ्री एन. फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो टेट्राप्लॉइडी, 4n. 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो पेंटाप्लॉइडी, दैट इज 5n. 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हेक्साप्लॉइडी, दैट इज 6n. तो इस तरह से ये जो ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी है, ये पॉलीप्लॉइडी में आता है. क्लियर? हैप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? तो हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम. कोई भी एक सेल है और सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या है, सभी अलग अलग तरह के हैं, ठीक. दैट मीन ईच कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम है, दैट मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पे, मीन्स टू से क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में नहीं प्रेजेंट है. क्लियर? Each chromosome of a type, each chromosome of a kind, that is the haploid cell. And haploid cell containing organism is the haploid organism. Clear? अगर कोई सेल है और सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स है वो पेयर्ड कंडीशन में अगर प्रेजेंट है, दैट मीन टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है, दैट मीन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम है, तो ऐसे सेल को बोलेंगे हम क्या? डिप्लॉयड सेल बोलेंगे. मींस टू से डिप्लॉयड सेल के अंदर टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम होता है, दैट मीन दो क्रोमोसोम एक तरह के होते हैं, टू क्रोमोसोम ऑफ अ काइंड, टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ टाइप. तो ऐसे सेल को बोलेंगे क्या हम? डिप्लॉयड सेल. और यही मतलब होता है क्या? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, दैट इज पेयर्ड क्रोमोसोम. डिप्लॉयड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, फाइव पेयर, एनी नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड सेल. और डिप्लॉयड सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. हैप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से. और डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टू एन से. एन क्या है? N is the number of chromosomes. N number of chromosomes. Clear? यहाँ पे हमने एक सेल लिया हुआ है और सेल के अंदर मैंने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया है क्रोमोजोम्स को. A, B, C, D, E, F, G, H रिप्रेजेंट किया है क्रोमोजोम्स को, ठीक है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी क्रोमोजोम्स क्या है? अलग अलग तरह के. All chromosomes are different types. Each chromosome of each kind, each chromosome of each type है. That mean one copy of each chromosome है यहाँ पे. Single set of chromosome. Clear? यहाँ पे कोई pairing नहीं है chromosome की. Clear? तो ऐसे cell को बोलेंगे क्या हम? Haploid cell बोलेंगे. Clear? यहाँ पे number of chromosomes कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That mean even number of chromosomes present है. Clear? दूसरे सेल्स में हमने क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट किया है, स्टार, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पी, आर से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या? ऑल द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स, दैट मीन वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, दैट मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे. यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे.
इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट मीन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है कि इन हैप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी इवन और ऑड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल में इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्लियर, क्योंकि क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं। डिप्लॉइड सेल में देखते हैं, यहाँ पे हमने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है क्रोमोसोम्स को, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम है। यहाँ पे टू ए क्रोमोसोम है, टू बी क्रोमोसोम है, टू सी क्रोमोसोम है, टू डी क्रोमोसोम है, दैट मीन व्हाट, पेयर्ड क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, क्लियर, दैट मीन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम है, मीन्स टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ काइंड है, टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ टाइप है, क्लियर। तो ऐसे सेल को बोलेंगे क्या हम, डिप्लॉयड सेल, जहां पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट मीन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, ऐसे सेल को बोलेंगे हम क्या, डिप्लॉयड सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पेयर्स है क्रोमोसोम्स, दैट मीन 16 क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज इवन होता है, डिप्लॉयड सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, हमेशा डिप्लॉयड होगा, दैट मीन इवन होगा, क्लियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज इवन होगा, सम होगा, क्लियर, इवन। और यहाँ पे हमने क्या देखा, इवन और ऑड दोनों होगा, सम और विषम दोनों होगा, क्लियर। एग्जांपल्स, हैप्लॉइड सेल, गैमेट्स, गैमेट्स मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम और एग, दे आर द हैप्लॉइड सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, दैट इज द एन होता है, क्लियर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अगर कोई गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड है, क्लियर, तो वो हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा मियोसिस डिवीजन में जाता है, क्लियर। अगर कोई गैमेट मदर सेल ऑलरेडी हैप्लॉयड है, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉयड गैमेट। सेकेंड एग्जाम्पल है, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, स्पर्माइटिड, पोलर बॉडीज। प्लांट के केस में एग्जांपल्स है माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, स्पोर्स, बैक्टीरिया, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स, क्लियर। एग्जांपल्स ऑफ डिप्लॉइड सेल, गैमेट मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स भी बोलते हैं, क्लियर। ह्यूमन के केस में एग मदर सेल ओगोनिया, डिप्लॉयड, क्लियर, एंड स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज द स्पर्म मदर सेल। ये कैसे सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, एंड दे ऑलवेज अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉयड गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम। सेकेंड एग्जाम्पल, जाइगोट, जाइगोट भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड गैमेट स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट, एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, दैट इज द एग के फ्यूजन से बनता है क्या, डिप्लॉयड जाइगोट। नेक्स्ट एग्जांपल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ओसाइट, सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल, ठीक है। ह्यूमन के केस में जितने भी सोमैटिक सेल्स है, पैनक्रियाज का सेल, लंग्स का, लीवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, बोन्स का, मसल्स का, कार्टिलेज का, ये सभी सेल्स, ईच सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, क्लियर। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ प्लांट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो भी रूट के अंदर सेल्स है, स्टेम के अंदर सेल्स है, लीव्स के अंदर जो सेल्स है, ये भी कैसे सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है, क्लियर। सी हियर, ट्रिप्लॉयड मींस व्हाट, दैट इज थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन थ्री कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। कोई ऐसा सेल जिसमें थ्री कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम है, तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लॉयड सेल बोलेंगे, क्लियर। अगर किसी सेल के अंदर फोर कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम है, दैट मीन फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम, टेट्राप्लॉयड बोलेंगे, क्लियर, फोर ईयर,
हम लोग ट्रिप्लॉयड सेल का एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ पी प्लांट यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स है दैट मीन सेल्स ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, ये कैसा होता है? डिप्लॉयड सेल होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 40। मतलब ईच सेल ऑफ ईच वेजिटेटिव सेल ऑफ पी प्लांट हैविंग द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द 40। तो इसके गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 7। और सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म में कितना हो जाएगा? 3n दैट इज 21। क्योंकि सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड सेल्स होते हैं, 3n। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट है एक टेरिडोफाइट्स है दैट इज फर्न ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है? 1260 क्रोमोसोम्स होता है। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड।